लेनोवो ने भारत में लॉन्च कर दिया है अपना एक नया बजट सेंट्रिक स्मार्टफोन जिसका नाम है लेनोवो A6 नोट। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इसके अनबॉक्सिंग, फर्स्ट लुक और इस फोन के कॉम्पिटिशंस। आप देख रहे हैं तो मोबाइल इंडियन और मैं हूं रोहन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट टेक न्यूज मिलती रहे और हमें भी इससे प्रोत्साहन मिलता है, और साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं लेनोवो A6 नोट की अनबॉक्सिंग के साथ। अगर लेनोवो A6 नोट के बॉक्स कंटेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है एक नया फोन, साथ ही आपको मिलता है एक केबल, पावर अडैप्टर, सिम इजेक्टर टूल और क्विक स्टार्ट गाइड। तो इस फोन का दाम है 7,999 रुपये और ये अवेलेबल होगा फ्लिपकार्ट पे सितंबर 11 से। तो ये तो थी इसकी अनबॉक्सिंग और अब स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट लुक की। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस फोन के कॉम्पिटिशन की ओर। तो हाँ, लेनोवो A6 नोट को कंपटीशन मिलेगा इनफिनिक्स हॉट 8 से, क्योंकि दोनों में आपको सेम प्रोसेसर मिलता है और इनफिनिक्स हॉट 8 का जो प्राइस है वो है 6999। और साथ ही इसको कंपटीशन मिलेगा रेडमी 7A के साथ, रियलमी C2 के साथ, वीवो Y90 के साथ और भी जो बाकी फोन्स हैं इस प्राइस रेंज में आते हैं वो काफ़ी तगड़ा कंपटीशन देंगे लेनोवो A6 नोट को। तो चलिए, ये तो था इसकी कंपटीशन और अब रुक करते हैं इसके फर्स्ट लुक की ओर। अगर इस फोन के डिज़ाइन की बात करें तो A6 नोट में आपको मिलता है ग्लॉसी फिनिश बैक पैनल पे, जो आपको एक ग्लॉसी फिनिश बैक पैनल पे जो काफ़ी स्मजी है नेचर में। अगर आप जैसे आप फ़ोन को जेब में डालेंगे, कहीं पे भी डालेंगे तो स्मजेस काफ़ी अट्रैक्ट होंगे और मोस्ट ऑफ द टाइम आप उसको साफ करते ही रह जाएंगे। अगर फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है एक वाटर ड्रॉप नॉच, जो साइड बेजल्स हैं वो काफ़ी कम है लेकिन जो बॉटम और जो बॉटम बेजल है वो काफ़ी थिक लगा हमें, क्योंकि जो बाकी फ़ोन्स हैं जैसे इन्फिनिक्स हॉट 8 को ही देख लीजिए, वहाँ पे आपको जो बेजल्स हैं वो कंपैरेटिवली कम मिलते हैं इस फोन के। इसके पोर्ट्स प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे मिलता है वॉल्यूम रॉकर और पावर ऑन ऑफ बटन, वहीं लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिलता है सिम ट्रे। इसकी बेस की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है एक माइक्रो USB पोर्ट और जो साइड में जो दो कटआउट्स हैं वहाँ पे आपको उसमें से एक में आपको मिलेगा स्पीकर ग्रिल। टॉप की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है एक 3.5mm जैक और साथ ही आपको मिलता है एक माइक्रोफोन। अगर लेनोवो A6 नोट का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी स्टैंडर्ड डिज़ाइन है हमारे हिसाब से, क्योंकि बाकी सारे कंपटीशन आपको ये चीज़ प्रोवाइड कर रही है पहले से ही। अच्छा, यहाँ पे ये होता कि कंपनी ने थोड़ा सा ग्रेडियंट फिनिश दे रखा होता या कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करती है अगर उनको कमबैक करना था डिज़ाइन के मामले में, तो थोड़ा हटके एक आपको लुक एंड फील दे सकती थी। तो अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। तो लेनोवो A6 नोट में आपको मिलता है एक 6.08 इंच का HD+ डिस्प्ले जो आता है 1560x720 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। जैसे हमने बताया, जो डिस्प्ले है वो काफ़ी डिसेंट हमें लगा इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग। जो उसके व्यूइंग एंगल्स हैं वो भी काफ़ी डिसेंट है, आपको ज़्यादा कलर शिफ्टिंग की प्रॉब्लम नहीं लगेगी। अगर आप वीडियोस देख रहे हैं या आप कुछ देख रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो ब्राइटनेस है वो हमें काफ़ी डिसेंट लगी इस फ़ोन की। और इसी के साथ अब बुक कर लेते हैं इसके हार्डवेयर की ओर, या तो उसको बोले इसकी जान की ओर। तो इस फोन में आपको मिलता है मीडियाटेक हीलियो P22 चिपसेट और साथ ही आपको मिलता है 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज। और एक अच्छी बात यहाँ पे यह है कि कंपनी ने आपको एक डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट दे रखा है, जिसकी वजह से आप दो सिम और एक SD कार्ड साइमल्टेनियसली आप यूज कर सकते हैं। परफॉर्मेंस बहुत जल्दी होगी बताना कि कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है या कितनी बेकार परफॉर्मेंस है इस फोन की। लेकिन अगर इसके सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने आपको एक ऑलमोस्ट प्योर एंड्रॉयड एक्सपीरियंस दे रखा हुआ है। यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा स्टॉक एंड्रॉयड की फील मिलेगी, जो कि एक अच्छी बात है और एक काफ़ी लैगिंग फीचर है बाकी फोन्स में। उसके ब्लॉटवेयर की बात करें तो कंपनी ने कुछ ही ब्लॉटवेयर ऐप्स डाल रखी है, जैसे एशफेल्ट नाइट्रो, स्पाइडरमैन, पजल पेट्स, ओपरा, सिंकेट, ट्रू कॉलर। ये जो ऐप्स है ये थर्ड पार्टी ऐप्स है लेकिन आप इनको आराम से डिलीट कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे बहुत जल्दी होगा बताना कि कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है इस फोन की या कितनी बेकार है। लेकिन अगर उसके सॉफ्टवेयर की बात करें, जो बहुत काफ़ी लाइट वेट हमें लग रहा है यूज़ करने में, और जो प्रोसेसर है तो आप ऑलमोस्ट मल्टीटास्किंग हल्की वुल्की कर सकते हैं। डेली यूज में आपको इतनी ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं होनी चाहिए इस फोन के थ्रू।
तो इसी साथ अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा की। तो लेनोवो A6 नोट में आपको मिलता है डुअल कैमरा सेटअप बैक साइड पे जो आता है 13 मेगापिक्सल प्राइमरी लेंस और एक 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर के साथ। फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है एक 5 मेगापिक्सल सेल्फी शूटर। अगर कैमरा की मोड्स की बात करें तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट मोड्स मिलते हैं जैसे बोके, ब्यूटी, फोटो, वीडियो, ये आपको 4 मोड मिलते हैं बेसिकली। और इसके अलावा अगर उसके कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ कैमरा सैंपल्स जो हमने इस फोन से क्लिक करे हैं। आप खुद समझदार हैं, आप खुद जज कर सकते हैं कि कितने अच्छे इसके कैमरा शॉट्स हैं या कितने बेकार हैं। लास्टली अब आते हैं इस फोन की बैटरी की ओर। तो इसमें आपको मिलता है 4000 mAh बैटरी और साथ ही ये आता है 10W फास्ट चार्जर सपोर्ट के साथ। 10W चार्जर की वजह से आपको थोड़ा जल्दी चार्जअप टाइम मिल सकता है इस फोन में। और जो 4000 बैटरी है वो ऑलमोस्ट आपकी एक दिन तो चल जाएगी, वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आप नॉर्मल यूजर है, आप फोन को बहुत मॉडरेटली यूज करते हैं तो वहाँ पे आपको इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी इस फोन के फर्स्ट लुक की। तो ये फ़ोन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए इस पे हम बात करते हैं। तो अगर आप उनमें से हैं जिनको एक ग्लॉसी ज़्यादा आपको चमकता धमकता डिज़ाइन नहीं चाहिए, आपको एक कॉम्पैक्ट फ़ोन चाहिए जहाँ पे आपको एक थोड़ा सा स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस मिल जाए, आपको एक अच्छी सी बैटरी लाइफ मिल जाए, तो आप इस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास और भी काफ़ी ऑप्शन है। इन्फिनिक्स ने हॉट 8 निकाला है 6999 में, वो काफ़ी एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पे लेके आए हैं, काफ़ी अच्छा आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको मेमोरी दे रहे हैं 64 GB की। और भी काफ़ी फ़ोन्स हैं जैसे Redmi 7A या Realme C2 जो आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस देने का दावा करते हैं। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए द मोबाइल इंडियन।